हमारे साथ जी इस वक्त रिटायर्ड हेडमास्टर खिजर हयात साहब मौजूद हैं, तो वो बताएंगे कि इस वक्त पूरे इलाके के अंदर क्या सूरत हाल है। हमारी जो पुराण टूटने से मना तकरीबन 5 दिन हैं, 264, 213, 214 और 309, 265, इसमें तकरीबन 15,000 एकड़ में 5-5 फुट पानी खड़ा है और आदमी जो है घर छोड़कर मना अपने ऊपर जगह पे सिमों पे बैठे हैं और प्यासे इंतजार गवर्नमेंट का कर रहे हैं। जरूरियात क्या क्या है इस वक्त? जरूरियात है पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पीने का पानी, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, खाने को विषय नहीं मिले, टैंक मिल नहीं रहे हैं और ऊपर से मौसम खराब है। अल्लाह करे कि ये गवर्नमेंट कुछ हमारा जो है हमारी को मदद हाल करें। ठीक नहीं, क्या क्या कह रहे हैं आप? अस्पताल में बंद है ये, पीछे की तरफ है अस्पताल जी, कहाँ पे? हाँ ये सामने ये पक्का जा रहा है। तो ये खेमों से निकल के लोग पीछे जाके बैठे हैं? जी जी जी, ये इधर से ये घर वाले, ये उधर। अच्छा, ये इस खेमों में जो लोग थे वो पीछे वो अस्पताल के अंदर जाके बैठ गए? बाबा ये पानी उधर बांधा नहीं तो ये सारे हमारा गिर गए थे, रात ही गिर गए थे। अच्छा, कल रात को? कल रात को, तो कल रात को तो हम आए, रात बरसात आई थी जी, समय सारे गिर गए। अच्छा, ये तब्बू मेला इधर था जी जी, पानी आया फिर भी नहीं कर गया। अच्छा, कल रात को आप इसी तरफ थे, अभी उस तरफ गए आप? हाँ। उधर हॉस्पिटल में कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त? मौजूद हैं। कितने लोग हैं? बहुत बहुत। कितने लोग हैं? 100 लोग होंगे? हाँ ऐसे हुए 100 लोग होंगे। और क्या आपको परेशानी है यहाँ पे? हमारे को बस क्या परेशानी, मच्छरों की है। मच्छरों का तो आपको अभी वो दिया है ना भाई ने, मेरे पास, तो ये आप लगाएं इंशाल्लाह, कल हम लोग दोबारा इंशाल्लाह आएंगे, ये अपने बच्चों को लगाएं, आपके बच्चे हैं आप ये बच्चों को लगाएं, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रोजाना आपके लिए लेके आएंगे। बस बस आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, मालिक मालिक, बस आपकी दुआ चाहिए। देखें जी, ये इस बिल्डिंग की हालत, ये पक्की बिल्डिंग है और यहाँ पर हमें बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर आगे कुछ लोग, बच्चे और खवातीन मौजूद हैं, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस कदर यहाँ पर पानी है आप देख सकते हैं, और इसके अंदर चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी ही पानी है। इस बिल्डिंग के बाहर के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, ये आप खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इधर देख सकते हैं, ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे मच्छरों से परेशान हैं और जिससे पूछते हैं वो खाने पीने से ज़्यादा हमें इस बात की शिकायत कर रहा है कि मच्छर हमें बैठने नहीं देते। आप ये देख सकते हैं इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग के अंदर भी हर तरफ पानी ही पानी, ये देखें 100 के करीब लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बच्चे इनमें अलग हैं। इस वक्त में अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे और हम सपोर्ट नहीं करेंगे इन्हें, तो फिर कब सपोर्ट करेंगे अपने लोगों के, हम कब काम आ सकेंगे? इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता कोई भी। आप ये पानी की सूरत हाल देख सकते हैं, हर वक्त हर तरफ, ये देखें ये इस बिल्डिंग के बाहर पानी है, ये इधर भी पानी मौजूद है, ये देखें ये बिल्डिंग की सिर्फ एंट्रेंस का ये छोटा सा हिस्सा जो है वो सूखा है और ये इसके बाद आप पानी की सूरत हाल देख सकते हैं, ये देखें ये हर तरफ पानी, ये देखें और ये इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं पानी का प्रेशर आप। और यहाँ पर रहने वाले बता रहे हैं कि ये 5 फीट से ज़्यादा गहरा है ये पानी, ये हर तरफ पानी ही पानी है, देखें ये दोनों तरफ से जी इस वक्त इस गांव के इर्द गिर्द पानी ही पानी है। ये तकरीबन 800 से 900 की आबादी का गाँव है और आप ये देख रहे हैं हम बाइक्स के ऊपर आए हैं, लेकिन बाइक्स भी हमारी जाना वो बंद होने का कर रही है, तो लापाकिसानी का दफ्तर में इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस गांव के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए।